तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। बिहार में वोटों की गिनती जोरों पर शुरू है, करोड़ों वोट गिने जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही है, आइए सीधा देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एज यू आर अवेयर दिस टाइम लोकर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस कैन द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर प्लीज लिस्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशनल काउंटिंग प्रोसेस एंड द बिहार काउंटिंग ऑन अकाउंट ऑफ कोविड 19। I will take up this particular question. As I mentioned already that in terms of counting, commission prescribed to you can say that decongest the particular counting hall, and it has limited the number of tables in each of the halls. That is one change which has happened. इस बार मतगणना की प्रक्रिया धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन 12 बजे के बाद ऐसा दिखाई दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो शायद ट्रेंड बदल जाएगा। शहरी क्षेत्र में मान लिया जाए तो एनडीए ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। 130 सीटें हैं एनडीए के पास, वही महागठबंधन के पास 98 सीटें, एलजेपी के अलग से 6 सीटें हैं और अन्य 9 सीटें हैं। एलजेपी और एनडीए को मिला दिया गया तो ये एलपीजी और एनडीए को मिला दिया जाए तो ये 139 सीटें हो जाएंगी। यह बड़ी लीड एनडीए ने ली है। वही आरजेडी को महागठबंधन को अब 12 सीटों का नुकसान दिख रहा है। देखा जाए तो बीजेपी अब आगे निकल चुकी है।